अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन बुध कैसा रहेगा, 29 अप्रैल आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को अगर मुलाजमत में परेशानी होती है तो आपको अपने सीनियर से मशवरा करना चाहिए जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। ताहम हद से ज़्यादा तवक्कुआत किसी से ना रखें वरना मायूसी का शिकार होंगे। माली हालात में बेहतरी के लिए आपको किसी अच्छी जगह सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। सीनियर से नामुनासिब बात और गैर मोहतात गुफ्तगु किसी बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है, इसीलिए आज आपको अपने कारोबारी मामलों में एहतियात के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है वरना मुस्तकबिल के लिए आप अपने काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। बुरज सौर। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को गुज़िश्ता कारकर्दगी की बिना पर काफ़ी ज़्यादा तरक्की हासिल होने के अमकान हैं जो कि आपकी खुशी को दुगना कर दें। हिम्मत और जज्बे से अपने काम को जल्द मुकम्मल करने के लिए पुरजोश रहेंगे जो कि आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अचानक से आपको आमदनी हासिल होने के वाज़े अमकानात नज़र आ रहे हैं। कुरंदाजी या किसी इनामी स्कीम के ज़रिए भी आपको रकम हासिल होने के अमकान हैं, लेकिन आज आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा और आपको सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो। सेहत के मामले में आज आपको लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। बुरज जौजा। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को कारोबारी लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है और मुमकिन है कि आपको माली अमूर से मुतल्लिक अहम फैसले करने पड़े। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें लेकिन आपको अपने मामलों में सोच समझ कर कदम बढ़ाना चाहिए। मुलाजमत में किसी भी मौके से आपको तरक्की हासिल हो सकती है, अलबत्ता अपने शोबे में तरक्की हासिल करने की कोशिश करते रहें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का तावन हासिल करना चाहिए जिससे आप अपने मामलों में कामयाब हो सकें। बुरज सरतान। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद में हर काम करने की सलाहियत पाई जाएगी, जैसा कि हमेशा आप किसी भी काम को आसानी से कर देने के आदी हो। कोई भी जिम्मेदारी मिलने की सूरत में इससे इनकार ना करें। काम से इनकार पर मुखालफीन को मौका मिल जाएगा आपकी इज्जत खराब करने का, लिहाजा जो भी काम मिले दिल से कबूल करें, साबक कदमी का मुजाहरा करें। खुद को मतलूबा मुकाम पर लाने का ये आपके लिए एक खूबसूरत मौका है। आपकी तरक्की में दूसरों का तावन भी शामिल रहेगा जो कि आपको कामयाब करने का जरिया बनेगा। बुरज असद। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को सेहत के हवाले से मोहतात रहने की ज़रूरत है। जायदाद की खरीदारी या सरमायाकारी की सूरत में माली वसाइल में कमी का सामना करना पड़ सकता है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इस्तराब में जा सकते हैं।
एहतियात के साथ कदम उठाएं। आज कारोबारी मामलों के सिलसिले में किए जाने वाला सफर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज आपकी ख्वाहिशात पूरी होने के भी अमकान हैं, लेकिन आपको अपने साथी की बात पर गौर व फिक्र करना चाहिए, उसकी ख्वाहिशात का भी ख्याल रखें। आज मामलत आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आएंगे, जिनसे आप खुश हो सकेंगे। बुरज सुमला। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने मौजूदा हालात पर मायूस हो सकते हैं, जबकि मायूसी गुनाह है, इसीलिए अल्लाह ताला से मदद मांगें। खामोशी इख्तियार करने की बजाय अपने मसाइल का हल ढूंढें, कोई मुनासिब तदाबीर इख्तियार करें और अपने मामलों को कामयाब करें। अगर घर वाले या करीबी दोस्त किसी काम में आपकी राय के खिलाफ मशवरा दें, तो इसको ठंडे दिमाग से सोचें, करें वो जो आपका दिल करे, लेकिन बहस मुबासों को फ़रोग ना दें। कारोबार तरक्की इख्तियार कर सकते हैं और नई जगह सरमायाकारी करने की बजाय अपने मौजूदा कारोबार में अपने पैसे लगाएं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल हो सकता है। बुरज मिजान। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद असाबी तनाव की कैफियत से बाहर आने की कोशिश करें। अपने मिजाज में आपको दुरुस्तगी और कुव्वते बर्दाश्त में कमी हो सकती है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। शहर से बाहर मुलाजमत या कारोबार के सिलसिले में आपको काफ़ी ज़्यादा नाकाम कोशिशों का सामना करना पड़ेगा। कोई बड़ा फैसला करने से आज के दिन गुरेज करें, वरना आपको पछतावा हो सकता है। अगर किसी काम में शराकत दारी की पेशकश मिले, तो इसे अपने जाती वसाइल में महदूद या सरमायाकारी के साथ आगाज करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बुरज अकरम। आज के दिन आप जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, मुमकिन है कि आपको इसका पूरा सिला ना मिले। ताहम मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपके हक में मामलात खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। काम की ज़्यादती, हमा वक्त मसरूफियात, आपकी नींद की कमी से आपकी सेहत पर मनफी असरात डाल सकते हैं, जिससे आपकी सेहत बिगड़ने के अमकानात हैं, लिहाजा अपनी नींद पूरी करें। अगर आपको किसी साजिश का शिकार होते नज़र आए, तो आप अपने मामलों में एहतियात करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके मुखालफीन को मौका मिले, लिहाजा मोहतात रहें और अपने मामलों को सर अंजाम देते रहें। बुरज कौस। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को खुद एतमादी और हौसले के साथ मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करने का मशवरा दिया जाता है। हालात इंशाल्लाह खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। गैर मुतवक्का ज़राए से पैसों के असूल में आपको कामयाबी हासिल हो सकती है, लेकिन पैसों का कुछ हिस्सा आपको सदका खैरात करना चाहिए, जिससे अल्लाह ताला भी राज़ी होगा और आपके मामलात में भी आसानियां पैदा होंगी। शरीके हयात पर बिगड़ने की बजाय इस पर गौर करें, किसी वजह से इसे आपसे शिकायत हो सकती है, लिहाजा उसकी बात सुने और उसको ठंडे दिमाग से सोचें। बुरज जदी। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को समझना चाहिए कि बेरोजगारी से बेहतर है कि कोई छोटा मोटा काम भी मिले तो उससे इनकार ना करें, क्योंकि काम काम ही होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता।
सब्र और हिम्मत से काम लें, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती जाएगी। किसी की सियासत का शिकार ना हो, अपने दिल और दिमाग से सोचें और जो कोई भी बोले उसकी बात को सुन लें, करें वो जो आपका दिल करे। इंसाफ इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करेगा और मामला आपके हक में बेहतर होगा। बुरज दिलू, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को तालीम से मुतल्लक मामलत में बेहतरी आती नज़र आएगी। थोड़ी ज़्यादा मेहनत और मुस्तकबिल में आप खुद को तरक्की हासिल करता देखें। अगर कोई आपकी मदद की पेशकश करे तो बगैर हिचकिचाए इसको कबूल करें, ताकि आपका काफ़ी अरसे तक काम पाया तकमील तक पहुंच सके। आज के दिन मोहब्बत के मामलों में आपको थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वरना आपकी अलहदगी तक बात पहुंच सकती है। बुरज हौर, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को ज़रूरत से ज़्यादा रकम को संभाल कर रखने की बजाय इसे अपने किसी अच्छे कारोबार में लगाने का मशवरा दिया जाता है, ताकि उससे आपको मुनाफा हासिल हो सके। कोई जायदाद ही खरीद लें, लेकिन कारोबार में पार्टनरशिप ना करें, ऐसा करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। हसासियत का शिकार होने और दूसरों से खफा होने की बजाय ज़रा गौर करें आप कौन सी बातें करते हैं। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, ऐसा करके आप अपने रवैये को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नए आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।